मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी। आज का हमारा लेक्चर है एसीटेट और ट्राई एसीटेट पर। एसीटेट इज अ मैनमेड फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। द प्यूरिफाइड सेल्यूलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन विद एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। एसीटेट एक मैनमेड फाइबर है जो कि सेल्यूलोज से बनाया जाता है। प्योर सेल्यूलोज वुड पल्प का एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर बनाकर उसके साथ रिएक्शन से प्राप्त किया जाता है। दिस फैब्रिक हैज अ लग्जूरियस फीलिंग एंड अपीयरेंस। इस फैब्रिक की बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही लग्जूरियस फीलिंग, यानी कि बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है इसको, और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत होता है। But it is also very delicate and its pure form it must be hand washed. और ये देखने में भी काफी delicate है और वैसे feel करने में भी बहुत delicate होता है। इसको हमेशा हमें hand wash ही करना चाहिए। Acetate और triacetate में जो अंतर है, the difference between acetate and triacetate fiber lies in the number of cellulose hydroxyl groups that are acylated. For acetate fibers, the number lies between 75% and 92%. For triacetate fiber, it is more than 92%. Acetate और triacetate दोनों एक ही ग्रुप के हैं, पर उन दोनों में जो अंतर है वो उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बीच में जो अंतर होता है उसके कारण उनमें अंतर पाया जाता है। एसीटेट फाइबर्स के लिए जो एसिलेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो 75% से 92% के बीच में होते हैं, और triacetate फाइबर के लिए ये 92% से ज्यादा होते हैं। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एसीटेट। प्योर सेल्यूलोज इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग कॉटन लिंटर्स और वुड शीट्स। दिस प्योर सेल्यूलोज इज स्टीप्ड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड एज अंडर द कंट्रोल टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि शुरू में हमने बहुत से मैनमेड फाइबर्स में भी आपने इनको बनाने का तरीका देखा था, उसी के समान जो एसीटेट बनाने का तरीका है वो कॉटन लिंटर्स और वुड शीट्स के द्वारा ही किया जाता है। इनसे हमको शुद्ध सेल्यूलोज प्राप्त हो जाता है, और ये जो सेल्यूलोज है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कुछ समय के अंदर कुछ समय तक अंडर कंट्रोल टेम्परेचर रखा जाता है। इट इज देन मिक्स्ड विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फैसिलिटेट द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस अ थिक एंड क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। अब ये जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके रिएक्शन कराया जाता है, जिससे कि हमको एक थिक और क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन सेल्यूलोज एसिटेट का प्राप्त होता है। दिस लिक्विड इज देन पास थ्रू द स्पिनरेट टू फॉर्म दीज फाइबर्स विच इज सॉलिडिफाइड एंड रोल्ड ऑन द बॉबिन्स फॉर लेटर यूज। और इस लिक्विड को उसके बाद स्पिनरेट में से पास किया जाता है, जिससे कि हमको जो है फाइबर एसीटेट फाइबर जो है वो प्राप्त होता है, और उसको बाद में बॉबिन्स के ऊपर लपेट लिया जाता है। एसीटेट फाइबर्स आर केमिकल कंपाउंड ऑफ सेल्यूलोज एंड नॉट द प्योर सेल्यूलोज एज इन रेयॉन फाइबर्स। एसीटेट फाइबर और रेयॉन फाइबर में ये अंतर होता है कि ये एसीटेट फाइबर जो है वो सेल्यूलोज के केमिकल कंपाउंड होते हैं, जबकि रेयॉन जो होता है वो प्योर सेल्यूलोज होता है। These chemical compounds have their own unique properties, and in fact, the various types of cellulose acetate fibers differ from each other in properties. In chemical properties का हर एक का अपनी विशेषता होती है, और जो है ये आपस में एक दूसरे से अपने गुणों में थोड़े बहुत इनमें अंतर बना रहता है। Acetates के types की बात करते हैं, the different types of acetate दो प्रकार के हैं, diacetate और triacetate. इनको यहाँ पे बनाने का मैंने मैन्युफैक्चरिंग मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। पूर्व में भी हमने रेयॉन में भी ये सारा मेथड पढ़ा था कि कैसे आप स्पिनरेट में से जब इसको पास करते हैं और साइड से हॉट एयर दी जाती है, और उसके बाद रोलर्स के थ्रू होता होता बॉबिन्स पर धागा तैयार हो जाता है। इसको दोनों मेथड से बताया हुआ है, और ये वाला हॉट एयर मेथड है और इधर दूसरे वाला कूल एयर मेथड है, जिसमें पॉलीमर को मेल्ट किया जाता है, स्पिनरेट से पास करते हैं, ठंडी हवा प्रवाहित की जाती है और हमको सॉलिडिफाई फिलामेंट जो है वो प्राप्त हो जाता है।
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटेट एंड ट्राइसीटेट की। सबसे पहली बात है शेप। शेप कैन बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट, इनकी शेप हम आवश्यकता के अनुसार जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। साइज जो है थिन लॉन्ग फिलामेंट फॉर्म में होते हैं ये। चमक की बात करें, लास्टर या चमक, वेरिएशन फ्रॉम ब्राइटनेस टू डलनेस, इसमें वेरिएशन आता है, ये काफी ब्राइट भी हो सकता है और डल भी हो सकता है। स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, इलोंगेशन अच्छा होता है अप टू 25%, इलास्टिसिटी रिकवरी गुड अच्छी होती है, रेजिलियंसी लो फॉर एसीटेट बट फॉर ट्राइएसीटेट इट इज गुड। एसीटेट्स के लिए रेजिलियंसी कम होती है पर ट्राइएसीटेट के लिए अच्छी होती है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस टू एसिड्स, फेयर रेजिस्टेंस टू डाइल्यूट एसिड बट कैन नॉट विदस्टैंड एंड कन्वर्टेड एसिड, जो एसिड के साथ इनका फेयर रेजिस्टेंस है, अल्कलाइज के साथ गुड रेजिस्टेंस है, और फ्लेम के साथ जो है ये अगर हम देखेंगे तो आसानी से जल जाता है। फिनिशिंग प्रोसेस अर्थात एसीटेट और ट्राइसीटेट में आप कौन कौन से फिनिशिंग प्रोसेस को यूज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यार्न यूज एंड द फाइनल इफेक्ट डिजायर्ड, डिफरेंट फिनिशेस कैन बी गिवन टू एसीटेट फैब्रिक। द मोस्ट कॉमन फिनिशेस आर फॉलोइंग, कौन सा यार्न आप बना रहे हैं और उसका फाइनल यूज आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, उस आधार पर हम इनमें बहुत तरह की फिनिशेस दे सकते हैं। जैसे एम्बॉसिंग, अगर हमें पैटर्न या डिजाइन बनाना है, हीट सेटिंग यदि हमको शेप रिटेंशन करना है, मॉयरिंग फॉर परमानेंट वाटर मार्किंग इफेक्ट, मॉयरिंग से एक कपड़े के ऊपर एक अच्छा सा टेक्सचर प्राप्त हो जाता है, नैपिंग ऑन स्पन एसीटेट फॉर सॉफ्टनेस एंड वार्म्थ, स्नैपिंग से जैसे ऊपर रोए से उठ जाते हैं तो उससे जो है सॉफ्टनेस और गर्मास जो है पैदा होती है कपड़े में, साइजिंग उसकी अपीयरेंस को सुधारता है, वाटर रेपिलेंसी फॉर रेजिस्टेंस टू वाटर एंड रेन, वाटर रेपिलेंसी जो है वो पानी की उसमें पानी के प्रवेश को रोकता है, रिंकल रेजिस्टेंस जो है इससे अच्छा शेप बना रहता है। तो ये सी फिनिशेस की जो जो आप एसीटेट और ट्राइसीटेट पर दे सकते हैं। अब आता है यूजेस ऑफ एसीटेट, एसीटेट के क्या क्या यूज हैं। द ब्रीदेबल नेचर ऑफ फैब्रिक मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज एज अ लाइनिंग फैब्रिक फॉर एपरल्स, इसमें एसीटेट जो कपड़ा बनता है, जो फैब्रिक है उसका जो नेचर है वो काफी ब्रीदेबल है, अर्थात उसमें आसानी से हम एयर पास हो जाती है उसमें से, तो उसको लाइनिंग फैब्रिक की तरह यूज करा जाता है पोशाकों में। एसीटेट इज यूज फॉर मेकिंग सिगरेट फिल्टर्स एंड अदर फिल्टर्स, इंक रिजर्वॉयर्स फॉर फाइबर टिप पेंस, एसीटेट का यूज कई तरह के फिल्टर्स में किया जाता है और जो फाइबर टिप पेंस होते हैं उनमें भी रिजर्वॉयर्स की तरह, इंक रिजर्वॉयर्स की तरह काम में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग हाई एब्जॉर्बेंसी प्रोडक्ट्स लाइक डायपर्स एंड सर्जिकल प्रोडक्ट्स, एसीटेट का उपयोग अच्छी अवशोषण क्षमता रखने वाले प्रोडक्ट्स जैसे बच्चों के डायपर्स या एडल्ट डायपर्स या और दूसरे सर्जिकल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आई ग्लासेस फ्रेम, और आई ग्लासेस फ्रेम बनाने में भी एसीटेट का उपयोग किया जाता है। ट्राई एसीटेट इज क्रिस्प फर्म फैब्रिक दैट इज ऑफन यूज इन टाफेटास एंड सूटिंग्स, इट इज यूज इन ड्रिप ड्राई क्लोथिंग, टेबल क्लोथ, स्कर्ट्स एंड स्लैक्स। ट्राई एसीटेट जो है उसका गुण थोड़ा सा एसीटेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा क्रिस्प होता है और फर्म फैब्रिक होता है जो कि टाफेटा और सूटिंग्स में यूज किया जाता है, मतलब विशेष प्रकार के वस्त्रों को निर्माण में यूज किया जा रहा है। ये ड्रिप ड्राई क्लोथिंग में भी यूज किया जाता है, टेबल क्लोथ, स्कर्ट्स और स्लैक्स में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑफन यूज इन वूल ब्लैंड्स टू इंक्रीज वॉशेबिलिटी एंड क्रीज रेजिस्टेंस, इसको वूल के साथ ब्लैंड किया जाता है जिससे कि वस्त्र की वॉशेबिलिटी और क्रीज रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। इट हैज गुड इलास्टिसिटी एंड इज रेजिलियंट टू रिंकल्स, मोल्ड, मिल्ड्यू एंड इंसेक्ट्स, इजिली वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज ऑफन यूज फॉर निटेड फैब्रिक, इसमें अच्छी इलास्टिसिटी पाई जाती है और रिंकल रेजिस्टेंस होता है, कीड़े इंसेक्ट से इंसेक्ट्स को नहीं लगते हैं, इसमें आसानी से धोया जाता है और सूख जाता है और निटेड फैब्रिक्स में यूज किया जाता है। ये देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको ट्राइएसीटेट और एसीटेट फैब्रिक जो बन करके तैयार होता है उसके लुक्स बताए हैं। देखिए कितना खूबसूरत, एक आपको ड्रेपिंग, अच्छी ड्रेपिंग वाला सॉफ्ट लस्टरस चमकीला शाइनी फाइन फैब्रिक जो है हमको मिलता है जिसके की विभिन्न यूज किए जाते हैं। ये था